बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कैंटर पब्लिशर्स वीडियो लेसन्स। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव विद यू क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक, समर पैक एंड रिसोर्स पैक। रिसोर्स पैक इज फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडेंस। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम कैंटर पब्लिशर्स ऑफिशियल वेबसाइट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन फ्रॉम यूनिट 5, द एल्डेस्ट सन। ऐसे लॉज ऑफ दिस लेसन आर, मेक प्रिडिक्शंस अबाउट स्टोरी लाइन, कॉन्टेंट, करेक्टर्स यूजिंग कॉन्टेक्स्चुअल क्लूज एंड प्रायर नॉलेज। Use summary skills to transfer the written text to a diagram, flowchart, or closed paragraph. Dear students, in previous lesson we have read the story of a man who had a son and his wife passed away when his son was little, 1 year old. Then what he did? He married another woman. She was a very wise woman. She loved that son of his man like her own, and she cared a lot about him. So after some years they had 2 sons more, and she loved them alike. Then the man passed away, and all the responsibilities of the household fell upon the shoulder of the eldest son. The eldest son was very hardworking. He loved his family and his brother, and by his hard work the family prospered. फैमिली में क्या आई? खुशहाली आई। लेकिन नेबर्स को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, वो लोग बहुत जेलस होते थे। दे वर ट्राई टू मेक अ रिफ्ट और क्रिएट अ रिफ्ट इन द फैमिली। देन दे टोल्ड द यंगर ब्रदर्स दैट, डू यू नो दैट योर एल्डेस्ट ब्रदर इज योर स्टेप ब्रदर। देन टू ब्रदर्स, द यंगर ब्रदर्स, शॉक्ड एंड सरप्राइज, दे रैन टू देयर मदर एंड आस्क्ड हर, why you loved your eldest, your stepson, so much? We should get rid of him because he will take all the property of the father. So the woman was very wise and intelligent. She had an idea. She told them that she will get rid of him and your father's property will be yours. Now let's move forward from here, page number 63. Let's find out what happened next in the story. The night she kept awake, waiting for her sons to fall asleep. When the boys had slept, she sprang up from her bed and began to scream, "Snake, snake!" The 3 boys woke up with a start. "Where, mother?" asked the eldest son. "I saw it in your mouth, son, and then it disappeared into your stomach," replied his mother. Okay, what we have read in this paragraph here? At the night she kept awake. रात को वो जागती रही, अपने बेटों के सोने का इंतजार करती रही। जब उसके बेटे सो गए तो वो एकदम स्प्रैंग अप, छलांग मार के बेड से उठी और चीखने लगी कि सांप, सांप, स्नेक। The 3 boys woke up with a start. Start अचानक से चौंक कर उठ गए और पूछने लगे कि किधर है सांप। एल्डेस्ट सन ने पूछा। माँ ने कहा कि मैंने देखा कि वो तुम्हारे मुंह में था और फिर वो गायब हो गया तुम्हारे स्टमक में। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? द एल्डेस्ट सन वाज डेविस्टेटेड। डेविस्टेटेड, बहुत बुरा फील कर रहा था। हियर दिस, फ्रॉम दैट डे ऑन ही लॉस्ट हिज एपिटाइट एंड स्लीप। एपिटाइट, अपनी भूख जो है उसकी खत्म हो गई और उसकी नींद भी। ही वुड लाई आइडल ऑन हिज बेड द एंटायर डे। आइडल, सुस्ती से वो लेटा रहता था पूरे दिन। Soon he became so weak that he could not even walk. जल्द ही वो इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं सकता था। Taking advantage of this situation, the jealous neighbors built a wall across the 3 brothers' courtyard and took control of the land. They even seized their farm and tools. Taking advantage of this situation, इस हालत का किसने फायदा उठाया? Jealous neighbors ने। उन्होंने उनके कोर्ट यार्ड में, जो उनके घर का आगे एरिया था, वहां पर उन्होंने क्या किया, एक दीवार बिल्ड की और वो हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। दे इवन सीज्ड, और क्या उन्होंने कब्जे में ले लिया? उनका फार्म और उनके सारे खेती बाड़ी के आलात। नाउ द यंगर सन वर वरिड। मदर, सेड वन ऑफ देम, इफ योर एल्डर ब्रदर वॉज नॉट बेड रिडन, such terrible things would not happen. Bedridden, अगर वो बिस्तर पे ना लेटा होता तो
इस तरह की बुरी चीजें ना होती। हिज मदर नॉडेड। उनकी माँ ने सर हिलाया, स्माइलिंग टू हरसेल्फ दैट हर यंगर सन हैड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हर एल्डर सन, कि उसके दोनों छोटे बेटों ने अपने बड़े भाई की अहमियत का अंदाजा लगा लिया। दैट नाइट शी स्टार्टेड शाउटिंग अगेन। उसी रात वो दोबारा से रात को चीखने लगी, स्नेक स्नेक वेयर इज इट मदर, मर्मर्ड द एल्डेस्ट सन। मर्मर्ड, आराम से मुंह ही मुंह में उसने बोला, किधर है स्नैक। इट केम आउट ऑफ योर स्टमक, रिप्लाइड द मदर एंड स्लिथर्ड आउट ऑफ द हाउस। स्लिथर्ड, रिंग कर बाहर चला गया। माँ ने कहा कि वो तुम्हारे स्टमक में से निकला और रिंग कर घर से बाहर चला गया। रियली द एल्डेस्ट सन क्राइड विद जॉय, क्राइड विद जॉय, वो खुशी से रो पड़ा। क्या वाकई इसी तरह हुआ है? फ्रॉम दैट डे हिज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग, और उसी दिन से उसकी हालत ठीक होने लगी, इम्प्रूव होने लगी। सून ही वॉज अप ऑन हिज फीट एंड बैक टू वर्क। वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ और काम की तरफ वापस लौटा है। हु डेयर टू कैप्चर माई लैंड, ही थंडर, थंडर जोर से बोला, डेड, किसने हिम्मत की कि मेरी जमीन पर कब्जा कर सके। द नेबर्स वर फ्राइटेंड, फ्राइटेंड बहुत ज्यादा डर गए पड़ोसी। दे पुल डाउन द वॉल विदाउट अ वर्ड, उन्होंने कोई भी लफ्ज किए बगैर वो दीवार गिरा दी। देन दे विकेटेड द फार्म एंड रिटर्न द टूल्स, उन्होंने फार्म भी खाली कर दिया, विकेटेड मतलब खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया, और सारे आलात भी, टूल्स भी वापस कर दिए। थर्स द एल्डेस्ट सन ब्रॉट बैक द स्माइल्स ऑन हिज फैमिली फेस। तो बड़े बेटे की वजह से फैमिली के सारे मेंबर्स के चेहरों पर खुशी आ गई। एंड हैविंग लर्न अ वैल्यूबल लेसन, वैल्यूबल एक कीमती लेसन उनको मिला, द थ्री ब्रदर्स लिव्ड इन पीस एंड हारमनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो तीनों भाई अमन और मिलजुल कर एक लंबे अरसे तक रहे। तो स्टूडेंट, हमने स्टोरी पढ़ी तीन भाइयों की, जिसमें से बड़ा भाई क्या था, सुतेला था, लेकिन उनकी माँ बहुत अकलमंद और समझदार थी। उनके नेबर्स ने उनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी माँ की समझदारी से उनकी पूरी फैमिली टूटने से बच गई। अब इसका मॉरल लेसन क्या है? वी कैन डू बेटर इफ वी वर्क टुगेदर। हम बेहतरीन काम कर सकते हैं अगर हम एक साथ काम करें, और डिफरेंसेस डू मैटर, लेकिन हमें जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं वो ज़रूर मैटर करती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बट आवर फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन मैटर्स मोर। लेकिन दोस्ती और कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दिस इज़ योर वर्ड बैंक, यू कैन फाइंड द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स हियर। Let's do the four remaining question of this exercise. What made the younger son realize the importance of her elder brother? छोटे भाइयों को अपने बड़े भाई की अहमियत का एहसास कैसे हुआ? ये अभी हमने टेक्स्ट में पढ़ा है, इसका आप आंसर आपको वहीं से मिलेगा। The fifth one, did the other brothers think that the elder brother was a kind man? Give reasons. क्या दोनों छोटे भाइयों को पता था कि उनका बड़ा भाई जो है वो एक kind person है, एक मेहरबान आदमी है? रीजंस भी बताएं कि क्यों। सिक्स वन, व्हाट हैपेंड व्हेन द एल्डर ब्रदर वाज बेड रिडन? एक्सप्लेन। बेड रिडन, जब वो बिस्तर पर पड़ गया बड़ा भाई उनका, तो क्या हुआ? ये भी हमने अभी टेक्स्ट में पढ़ा, इसका आंसर भी आपको वहीं से मिलेगा। द सेवंथ वन, व्हाट ट्रिक डिड द मदर यूज टू यूनाइट द थ्री ब्रदर? उनकी माँ ने कौन सी ट्रिक की उन तीनों भाइयों को दोबारा से जोड़ने की, मिलाने की? वो ट्रिक भी आपने बतानी है। सेक्शन बी है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कम्प्लीट द क्लोज पैराग्राफ। टेक्स्ट हमने पढ़ लिया, समरी हमने पढ़ ली, अब आपने ये क्या करना है, कम्प्लीट करना है ये पैराग्राफ। इसमें ब्लैंक्स हैं। इन अ विलेज देयर वंस, देयर आपका इधर आ जाएगा और वंस आपका इधर ब्लैंक में आ जाएगा। देयर वंस लिव्ड अ यंग मैन विद हिज वन ईयर ओल्ड यस सन। Unfortunately, his wife had died. Soon after giving birth to the boy, and as there was no one to, look after the baby,
यंग मैन मैरिड अगैन, बाकी के ब्लैंक्स आपने खुद ही फिल करने हैं, रीरीड कर लें अपने यूनिट नंबर 5 को और या फिर आसानी से कर सकते हैं. दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम समर बैक. यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 and 5. यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम दैट पैराग्राफ. आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेसन. थैंक यू.